लेकिन यहाँ प्रकाश भाई मिले और ये आए हैं सीतामढ़ी से पटना। वहाँ तो मिलिए भाई से, तो यहाँ कब से आए हैं भाई? यहाँ हम आपका वीडियो 6 महीने से आपका ब्लॉग देखते हैं, आपका ब्लॉग बहुत ही बढ़िया रहता है। हाँ। और अच्छी तरह से तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों आज हम लोग जाने वाले हैं जो पटना का है सबसे बड़ा पुल, आती भारत में दूसरा नंबर पर जो आता है पुल, तो वो है पटना सेतु, गांधी सेतु पटना पुल जो है, तो हम उसको आज एक्सप्लोर करने वाले हैं। और अभी पहले सबसे पहले गायघाट जाएंगे और वहाँ विजय भाई और मनोज भाई से मिलेंगे और फिर साथ में चलेंगे। तो ब्लॉग पे बने रहिएगा और देखिएगा कि क्या क्या कैसा सीन है, अभी किस तरह से हाल हो चुका है और क्या मतलब वहाँ का नज़ारा रहता है। तो चलिए फिर वहाँ जाके आप लोगों को विजय भाई से मिलाते हैं और पटना का गांधी सेतु पुल जो ब्रिज है वो हम एक्सप्लोर करेंगे। दोस्तों अभी बज गया है 3 और अभी हम यहाँ से रूम से निकलने वाले हैं और चलने वाले हैं सीधे गायघाट। तो अभी चलते हैं, आगे ऑटो पकड़ते हैं फिर आते हैं गायघाट। मनोज भाई और विजय भाई से मिलते हैं। दोस्तों तो ये है पीपा पुल जो आप लोग अभी देख सकते हैं और इसका आसपास का नज़ारा इस तरह से, यहाँ बोटिंग भी आप लोग कर सकते हैं। तो पहले हम यहाँ प्रकाश भाई आए हैं जो सीतामढ़ी से हैं, जो अभी बैक कैमरा से दिखा रहे हैं, तो आपको दिखाते हैं फिर। यहाँ का आप लोगों को नज़ारा देखने को मिल रहा होगा, जो पीछे गया है ये सामने जो दिख रहा है वो पीपा पुल है, वो हाजीपुर को जोड़ता है, जो कि गांधी सेतु पुल जो पीछे दिख रहा है आपको, पीछे उनका अल्टरनेट है। तो जब वहाँ ज़्यादा जाम हो जाता है तो इधर से लोग पास होते हैं, तो यही है अल्टरनेट। तो दोस्तों हम लोग तो पहले जाने वाले थे गांधी सेतु पुल जो है सो, लेकिन यहाँ प्रकाश भाई मिले और ये आए हैं सीतामढ़ी से पटना, तो यहीं रुके हुए हैं, तो बोले कि पहले पीपा पुल ही जाते हैं। तो पीपा पुल हम लोग पहले आए हैं, यहाँ पहले एक्सप्लोर करते हैं उसके बाद फिर जाएंगे वहाँ। तो मिलिए भाई से, तो यहाँ कब से आए हैं भाई? यहाँ हम आपका वीडियो 6 महीने से आपका ब्लॉग देखते हैं, आपका ब्लॉग बहुत ही बढ़िया रहता है। हाँ। और अच्छी तरह से आप एक्सप्लोर करते रहिए। तो यहीं मिल गया भाई, तो यहाँ से मतलब आप लोग भाई का भी चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, तो चैनल का लिंक जो है तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बस इतना ही दोस्तों, और फिर यहाँ से आगे दिखाते हैं कि क्या क्या व्यू यहाँ से। चलिए आगे दोस्तों, हम दिखाते हैं आगे का व्यू, यहाँ भाई को दिखाते हैं। दोस्तों ये पीपा पुल का खासियत क्या है कि ये मतलब तैरता हुआ पुल है, देख सकते हैं कि ये सब ड्रम जैसा रखा हुआ है और तैरता है ये पुल, कोई ब्रिज में मतलब पिलर नहीं है। तो ये जैसे कि देख रहे हैं लोहा का बना हुआ है पूरा, और आवाज़ बहुत इसलिए करता है क्योंकि ये तैरता है, तो जब जंपिंग करता है तो इसीलिए आवाज़ करता है, देख सकते हैं कितना जंपिंग करता है। वहाँ थोड़ा रुक गया क्योंकि वहाँ ज़्यादा जंप करता है। तो दोस्तों हम लोग अभी जाने वाले हैं वो जो सबसे बड़ा ब्रिज है, भारत का दूसरा नंबर, इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट पुल जो है गांधी सेतु पटना, उस पर हम लोग अभी जाके वहाँ का अनुभव शेयर करने वाले हैं। तो यहाँ से इस तरह से नज़ारा दिखता है जो कि हाजीपुर को जोड़ता है पटना से। तो बस यही नज़ारा आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ आए हैं, और फिर अभी चलते हैं ऊपर गांधी सेतु पटना पुल पर और वहाँ से भी पूरा नज़ारा दिखाएंगे, और यहाँ बोटिंग भी कर सकते हैं जो बता चुके हैं। और यह इस पुल पे हम लोग अभी चलेंगे तो उसे देखते हैं कैसा लगता है, तो ब्लॉग पे बने रहिए। दोस्तों अभी हम पीपा पुल पर पैदल जा रहे हैं, देख सकते हैं अभी हम लोग पैदल जा रहे हैं, देखते हैं यहाँ कैसा एक्सपीरियंस है। बहुत ही उछाल लगता है, आवाज़ बहुत ही उछाल। पुल के बारे में तैरता भी नहीं, पुल का मतलब नहीं बताया।
आप लोग दोस्तों एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि कितना आवाज़ करता है जब इस पर कोई गुजरता है। तो इसी तरह से यहाँ पूरा जंप करता है, कोई पिलर नहीं होने के कारण ये तैरता हुआ है। तो आप जाके वहाँ मिलते हैं, अनुभव कर सकते हैं कि कितना आवाज़ करता है इस पर। ये तैरता है इसीलिए क्योंकि इसमें पिलर नहीं है, तो इसीलिए ज़्यादा आवाज़ करता है। दोस्तों हम लोग उधर से अभी आए हैं और इधर आते हुए देख रहे हैं यहाँ अभी बोट खड़ा है, बोट भी खड़ा है और यहाँ बड़ा जहाज़ भी खड़ा है। और ये है गांधी सेतु पटना जो ब्रिज है उसी के नीचे खड़ा हुआ जस्ट। तो अभी चलते हैं आगे, यहाँ तो सब इसीलिए तो घूमने आता है ना। तो अब यहाँ एंड हो चुका है क्योंकि आगे काम जा रही है, तो वहाँ ऊपर नहीं जा सकते, यहीं से आप जो भी करना होगा दिखाना होगा। तो बस ऊपर जाने का सिर्फ बाकी रहा और सब तो पूरा नज़ारा देख ही चुके हैं। तो फाइनली हम ये ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और सब हम लोग फिर वापस जाते हैं। प्रकाश भाई भी साथ में आए हुए हैं और ये नज़ारा रहा, तो हम लोग एंड हो गया अब ब्लॉग यहीं। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग मचाते रहें।